चलो आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस वार्ता में। प्रेस वार्ता चल रही है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। नेता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और आपकी जो काम करने की जो इच्छा है, जो आगे बढ़ने की इच्छा है, वहाँ भी पूरी बरकरार रहनी चाहिए। हमेशा जो बेहतर को और बेहतर बनाने की जो आपकी लालसा रही है वो जलती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको बंद करके बैठ जाएं और एक आत्म संतुष्टि का भाव लेकर बैठ जाएं। जब कभी गिरावट आती है वो इसी वजह से आती है। कारण क्या है, जैसे अभी आप नए नए हो, आप में हो सकता है स्किल कम हो लेकिन मोटिवेशनल लेवल जो आपका है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, आपका मोटिवेशन भी बना रहता है, जो नया नया चीज़ है जो मिली है वो करनी है, और आपको स्किल भी आ जाती है। फिर आप दोनों मैच करके कुछ दिन बहुत अच्छा काम करते हैं। बात अगले थर्ड फेज में जो आती है, जो जहाँ हम गलती कर बैठते हैं, हमें ट्रेनिंग जो हमारा स्किल है, जो गुण है, जो काम करने की क्षमता है, वो तो हमारी पूरी होती है। और लेकिन दूसरा जो पहलू है, मोटिवेशन में जो हमारी गिरावट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो अपन सरकारी काम में या किसी भी संस्थान में जो आउटपुट में कमी आना शुरू होती है वो इसी लेवल पे आना शुरू होता है। और चौथा तो बिल्कुल, जब आपका मोटिवेशन लेवल नीचे चला जाता है फिर आपकी स्किल भी डाउन हो जाती है, क्योंकि जब काम नहीं करोगे तो आपकी स्किल भी वहाँ स्टैंड नहीं करेगी। चौथा स्टेज जो होता है, आपकी स्किल भी गई, मोटिवेशन भी गया, वो बड़ा ख़राब होता है। वहाँ पर हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो प्रशिक्षकगण हैं, उनका रोल अहम होता है कि अपने संगठन से नियमित रूप से इंटरेक्ट करें, उनको जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें, परेशानियां हैं जो उनको दूर करें, ताकि उनका जो मनोबल और जो मोटिवेशन है वो बरकरार रखा जा सके। जो हमारी जो सेकंड स्टेज है, जहाँ हमारा गुण भी अच्छा है और मोटिवेशन भी अच्छा है, वो उसी लेवल का रहना चाहिए अंत तक। यदि हमें अपने संगठन को, अपनी संस्था को, अपने विभाग को आगे ले जाना है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, जो यहाँ हमारे DCP हेडक्वार्टर हैं, एडिशनल DCP जो हेडक्वार्टर का काम देखते हैं राहुल प्रकाश जी, उन सबको, अपने कमिश्नर साहब को, सबको बधाई दूंगा। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम भी रखा है और एक यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने अपने कर्तव्य के साथ साथ जो विभागीय उनके दायित्व थे उनको निभाते हुए ये अपनी निजी सफलता भी अर्जित की। आप सभी को भी बधाई, और मैं चाहूँगा जिस बात को ध्यान में रखते हुए, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपने लाइब्रेरी का शुरू किया है, कि आपके जो और यहाँ जो परिवार रह रहे हैं, एक तो उनमें सामूहिक जीवन जीने की तरीका और आदत है वो विकसित होगी। दूसरा, मान लो यदि घर पर अगर किसी के पढ़ने का माहौल नहीं है, वो यहाँ आकर अपनी पढ़ाई कर सकता है। ये एक अच्छी व्यवस्था कमिश्नरेट द्वारा चालू की गई है, इसके लिए पूरा कमिश्नरेट का जितना भी स्टाफ है, अधिकारी हैं, उन सबको बधाई।